आओ आओ मेरे शेर, बैठो बैठो। आपकी तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से। और तुम? बेटा, एक कलाकार दूसरे कलाकार से कुछ नहीं छुपा सकता। इरशाद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, वो ऊपर वाला सब जानता है कि वो क्या कर रहा है। छोड़िए राशिद भाई, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता। कमजोरी? कैसी कमजोरी भाई है? अपने लिए एक बार में ही सारे दरवाजे बंद कर देना चाहते हो? तो फिर क्या करूं राशिद भाई, जितना मैं कोशिश कर रहा हूं सब कुछ उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ एक सवाल कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि अपनी दुनिया में मुझे घुटन हो रही है। बेटा, वो जो ऊपर वाला है ना, वो हम सब का बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छे और बुरे का फैसला सिर्फ वही करता है। तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान। मैं जानता हूँ, मैं थिएटर में बिल्कुल मर गया था। जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण बाकी ना थी। मौत हर रोज आती और लौट जाती, इसी तरह कई दिन गुजर गए। तब मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता आया। वो फरिश्ता बिल्कुल अलग था। वो आया और मेरे लिए लाया मेरा खोया हुआ जुनून, मेरा जोश वापस ले आया। और मुझे उसने दौड़ना सिखाया। जानते हो वो फरिश्ता कौन है? वो फरिश्ता तुम हो। हाँ भाई, याद है भरत, तुमने एक बार मुझसे क्या कहा था कि कल सिर्फ एक अल्फाज है, जीने के लिए हमारे पास सिर्फ आज है, आज। पर राशिद भाई। बेटा, अपने हौसले को टूटने मत देना। तुम औरों के लिए आशा की उमंग हो, तुम्हारे होते आसमां भी दूर नहीं है बेटा। जानता हूँ राशिद भाई, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, पर मैं आज भी आसमां छूने का सपना देखता हूँ। छूले आसमां।